हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th की केमिस्ट्री के चैप्टर थर्ड में जो कि हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तता, तो इस चैप्टर में टॉपिक हम लेंगे मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी या मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो मेंडेलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो ये मोजले के द्वारा जो प्रतिपादित है आधुनिक आवर्त नियम, तो आधुनिक आवर्त नियम की अस्तित्व में आने के बाद इस आवर्त सारणी बनाई गई, वो भी मेंडेलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें संशोधन करने के पश्चात। तो मेंडेलीव ने जब मूल आवर्त सारणी बनाई थी तो बहुत कम तत्व यानी 63 तत्वों की खोज हुई थी। उसके बाद जब संशोधित आवर्त सारणी बनी तो और बहुत से तत्वों की खोज हो चुकी थी, बड़े तत्व बढ़ गए तो उनका भी स्थान इसमें दिया गया है। तो ये मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी, करेक्टेड पेरिओडिसिटी ऑफ मेंडेलीव, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं मेंडेलीव की आवर्त संशोधित आवर्त सारणी, ये बनी हुई हमारे सामने, इसको देखते हैं जरा सा। तो ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी का एक प्रारूप बना हुआ है आपके सामने। तो जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी संशोधित आवर्त सारणी है उसमें क्या किया गया है, उसको भी ऊर्ध्वाधर स्तंभों और क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित किया गया। आप देख सकते हैं सामने बनी हुई है। तो इसमें जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उनको हम वर्ग या समूह कहते हैं, और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको हम आवर्त कहते हैं, और वो आवर्त श्रेणी में विभाजित है। तो ये कैसे क्लासिफिकेशन, इसको जरा हम आवर्त सारणी के माध्यम से ही समझते हैं। जो मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी है ये है 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित है। तो इन 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं तो इनको हम वर्ग या समूह कहते हैं। ये कौन कौन से हैं, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 वर्ग है, ये 8वां वर्ग है पूरा, और फिर आखिर में इसके एक वर्ग और बढ़ाया गया था, उस वर्ग को शून्य समूह या शून्य वर्ग या जीरो ग्रुप इसको हम कहते हैं। तो एक ये दूसरा, ये जो वर्ग है 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग हैं ये 2-2 उपवर्गों में विभाजित किए गए हैं। इन उपवर्गों को हम फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, दूसरा का दूसरे वर्ग के जो 2 वर्ग हैं उनको फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फिर तीसरे के जो 2 वर्ग उसको फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इस तरह से कहते हैं। तो 7 तक के जो उपवर्ग हैं उसमें 2-2 उपवर्ग हैं, ए और बी 2 अलग अलग उपवर्गों में विभाजित है। तो कुल मिला के अगर इनके उपवर्गों को भी मिला लिया जाए तो कितने उपवर्ग हो जाएंगे, तो 7 × 14 ये उपवर्ग हो जाएंगे, 1 × 15 और 1 × 16 ये, जिसमें से जो 8वां उपवर्ग है, 8वां जो वर्ग है, ये इसके उपवर्ग तो क्लासिफाई नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो 8वें वर्ग में 3 अलग अलग स्तंभ बनाए गए हैं, जिसमें से जो 8वां वर्ग है तो वो 3 फिर से अलग अलग स्तंभों में विभाजित है जिसमें अलग अलग तत्व उपस्थित है। ठीक है, तो अब बात आई कि जो है 36 पंक्तियों की, तो ये कुल 7 मुख्य 36 कालमों में विभाजित है। इन 36 कालमों को हम आवर्त कहते हैं, पीरियड्स, क्या बोलते हैं, आवर्त। और ये जो 7 आवर्त हैं ये फिर से 10 श्रेणियों में विभाजित हैं, 10 उप आवर्तों में विभाजित हैं। इन 10 उप आवर्तों को हम फिर से श्रेणियां कहते हैं। तो कुल मिला के श्रेणियां कितनी हो गई, श्रेणियां हो गई 10। ठीक है, कौन कौन सी, तो श्रेणियां के सामने लिखी हुई 1 to 10 लिखी हुई। अब इसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो 3 वर्ग है शुरुआत के, इसमें एक ही एक श्रेणी, और फिर जो चौथा पांचवा छठा ये 3 आवर्त है ये 2-2 श्रेणी में विभाजित है। चौथा जो वर्ग है इसमें ये 4थी श्रेणी, पांचवी, जो पांचवा आवर्त है इसमें 6ठी श्रेणी और 7वीं, जो सातवां छठा आवर्त है उसमें 8वीं श्रेणी और 9वीं श्रेणी, और जो 7वां आवर्त है इसमें 10वीं श्रेणी उपस्थित है। तो इस तरह से ये 10 श्रेणियों में विभाजित है। ठीक है, ये श्रेणियां ऐसे इस तरह से बनी हुई है। इन श्रेणियों में जो शुरुआत के 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये जो है आवर्त, इन आवर्तों को हम लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु आवर्त। और फिर चौथे पांचवें छठे सातवें इन आवर्तों को क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त। तो शुरुआत ऊपर के 3 है लघु आवर्त और जो नीचे के 4 है वो दीर्घ आवर्त है। तो ये लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त ये बनते हैं मेंडेलीव की संशोधित आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में और इसके बाद जो लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व, उन तत्वों को नीचे 2 अलग श्रेणियां बना के
आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है, नीचे स्थान दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। कहने का मतलब जो लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व है इनको आवर्त सारणी के अंदर स्थान नहीं मिल पाता है, तो इनको हम नीचे दो अलग श्रेणियां बना के फिर इनको हम रखते हैं। इस श्रेणी की और जो अन्य विशेषताएं उनमें ये है कि जो हाइड्रोजन है तो पहले आवर्त, पहले वर्ग और पहले आवर्त में स्थित है और ये सातवें आवर्त में भी स्थित है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुण है वो पहले आवर्त के तत्वों से भी मैच करते हैं और सिमिलरली सातवें आवर्त के गुण के तत्वों से भी मैच करते हैं। तो ये पहले आवर्त में भी है और सातवें आवर्त में भी स्थित है हाइड्रोजन। जो दूसरे और तीसरे ग्रुप के तत्व हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त के सभी ग्रुप नहीं बल्कि दूसरे तीसरे पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, इन तत्वों को हम निरूपक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम निरूपक तत्व कहते हैं दूसरे तीसरे आवर्त के। निरूपक तत्व को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने वर्ग में अपने बाकी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इनको प्रतिनिधि तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं दूसरे। जैसे पहले वर्ग में दो निरूपक तत्व हैं लिथियम और सोडियम, दूसरे वर्ग में दो निरूपक तत्व हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम। इस तरह से अपने अपने ग्रुप के जो है निरूपक तत्व कौन से, इधर सातवें ग्रुप में आ जाएंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन हो जाएंगे। तो दूसरे तीसरे आवर्त के तत्वों को क्या कहा जाता है? निरूपक तत्व, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो इस तरह से और जो अलग से बनाया गया है जीरो यानी शून्य समूह जो बनाया गया है उसमें रखा गया है अक्रिय गैसों को। क्या रखा उसमें, किसको रखा गया है? अक्रिय गैसों। तो अक्रिय गैसों के लिए इस श्रेणी में, इस टेबल में अलग से ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप को हम जीरो वर्ग या शून्य समूह इसको कहते हैं, जिसमें अक्रिय गैसों को रखते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल की ये सामान्य विशेषताएँ हैं। तो इनमें जो है इस श्रेणी की जो सामान्य विशेषताएं ये हो गई। इन विशेषताओं के बाद में फिर इस श्रेणी के बनाने के पश्चात जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें से कुछ दोष थे, तो उन दोषों को आप निराकरण करेंगे। तो उनमें अब हम ये देखेंगे कि श्रेणी के द्वारा क्या जो पहले की आवर्त सारणी बनी थी तो उनके दोषों का निराकरण हो पाया कि नहीं हो पाया। तो अब उनके दोषों पर एक नज़र डालते हैं। ये आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी के द्वारा जो मूल आवर्त सारणी थी उसके दोषों का निराकरण कैसे किया गया, देखिए। जो इसके पहले जो मूल आवर्त सारणी थी तो उसमें क्या किया गया था, कुछ एलिमेंट ऐसे थे कि जिनमें कम परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व थे उनका स्थान बाद में था और जो अधिक परमाणु क्रमांक वाले स्थान थे उनका स्थान पहले था। तो इस चीज़ को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर यह व्यवस्था ठीक हो जाती है। कहने का मतलब है आर्गन का परमाणु भार 40 निकलता है और पोटेशियम का 39, तो इनको अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो पोटेशियम का स्थान पहले आता है, आर्गन का बाद में आता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह इस सारणी में जब हम उनको परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रख देते हैं तब ये व्यवस्था ठीक हो जाती है। कहने का मतलब है आर्गन का स्थान पहले आ जाएगा और पोटेशियम का बाद में, तो फिर परमाणु क्रमांक वाली व्यवस्था, परमाणु भार वाली व्यवस्था से जब हटके आएंगे परमाणु क्रमांक लेंगे तब फिर जो है ये एज यूजुअल इनको स्थान मिल जाएगा वास्तविक स्थान। उसी तरह से पहले मूल आवर्त सारणी में निकिल पहले रखा है, कोबाल्ट बाद में रखा है, इसमें क्या किया जाता है, कोबाल्ट पहले आ जाता है और फिर निकिल, कोबाल्ट 27 निकिल का 28, तो फिर ये पहले आ जाता है, निकिल पहले सॉरी कोबाल्ट पहले आ जाता है और निकिल बाद। इसी तरह से आयोडीन पहले मूल आवर्त सारणी में आयोडीन का स्थान पहले है, डिल्यूरियम का बाद में है। अब इस जो संशोधित आवर्त सारणी है तो उसमें डिल्यूरियम का स्थान पहले आता है, आयोडीन का बाद में आता है। तो ये इनका एक दोष के नाम पे, जो अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले जो यौगिक हैं उनके जो स्थान आगे पीछे थे वो स्थान उनके यूजुअल हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। दूसरा क्या इनका दोष निराकरण होता है, दूसरा इसमें एक तो बात हुई थी उसमें समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था, भाई परमाणु क्रमांक सब में इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं तो उनके लिए स्थान अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन उसको आपने व्यवस्थित किया परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तब वहाँ पर समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं होता था। यहाँ जब आप परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो समस्थानिकों का एक ही परमाणु क्रमांक होता है, कुल मिला के
जो समस्थानिक होंगे उनको एक ही स्थान पर रखा जाएगा। कहने का मतलब जैसे कार्बन के तीन समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो तीनों समस्थानिक कार्बन चौथे ग्रुप में दूसरे ऑर्बिट के चौथे ग्रुप में तीनों समस्थानिक एक ही जगह पर रखे जाएंगे, तो समस्थानिकों का स्थान भी सारणी के द्वारा क्लियर होता है। तीसरा है कि जो मूल आवर्त सारणी है तो उसमें अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं मिला था, लेकिन इस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को जीरो ग्रुप बना के अलग स्थान दे दिया गया, यानी इस सारणी में अक्रिय गैसों को स्थान मिल गया है। तो ये कुछ जो है संशोधन, मतलब जो कमियां हैं मूल आवर्त सारणी की, वो कमियां इस सारणी के द्वारा दूर हुई, लेकिन फिर भी इस सारणी में भी कुछ कमियाँ रह गई। उन कमियों के बारे में चर्चा करते हैं, वो कमियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी के जो मुख्य दोष हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य दोष क्या क्या है? पहला तो यही दोष है कि हाइड्रोजन देखिए जो है तो उसको पहले वर्ग में भी स्थान मिला हुआ है और सातवें वर्ग में भी स्थान मिला हुआ है। तो एक सबसे बड़ा तो दोष ये है कि हाइड्रोजन के गुण अपने कारण पहले ग्रुप के तत्वों से मिलते हैं, सातवें ग्रुप के तत्वों से मिलते हैं, तो दोनों जगह आप एक तत्व को कैसे रख सकते हैं? पहला तो एक गुण है कि हाइड्रोजन का कोई उचित स्थान आवर्त सारणी में नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ तत्व ऐसे हैं कि जिनके गुण असमान है, असमान नहीं है, फिर भी उनको एक ही वर्ग में रखा गया। जैसे इधर देखते हैं पहले वर्ग में पोटेशियम और कापर दोनों एक ही वर्ग में है, लेकिन पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु है जबकि कापर कम क्रियाशील धातु है, तो दोनों के गुण अलग अलग हैं फिर भी एक ही वर्ग में रखे हुए हैं। तो ये भी इनका एक जो है इस आवर्त सारणी का एक दोष है। ठीक है, तीसरा है कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं इनको आवर्त सारणी से अलग रखा गया, अलग क्यों रखा गया है? इनको इनके लिए उचित स्थान आवर्त सारणी के अंदर क्यों नहीं है? ये भी इस आवर्त सारणी का एक दोष है। ठीक है, तो ये दोष हो गए। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि जो इस श्रेणी में धातु और अधातु तत्व हैं उनको सेपरेट नहीं किया गया, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं लिखा है। जैसे इधर देखते हैं आयरन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब धातुएं हैं, और इधर जो है बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन ये सब धातु हैं। इधर फिर से आठवें ग्रुप में धातुएं शुरू हो जाती हैं, फिर अक्रिय गैस। तो धातुओं अधातुओं का इसमें सेपरेशन नहीं है कि धातुओं और अधातुओं का वर्गीकरण इसमें नहीं बताया गया है, तो ये भी आवर्त सारणी का एक क्या है? दोष। ठीक है, और जो है एक चीज में ये बताई गई है कि आठवें ग्रुप के जो एलिमेंट है तो इन सभी तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं, तो इन सभी को तीन अलग अलग स्तंभ बना के रखा गया है, एक ही वर्ग में क्यों नहीं इनको रख दिया गया? जब गुण समान है तो आठवां ग्रुप एक बनाते, उसके तीन अलग अलग स्तंभ बनाने की आवश्यकता थी। तो एक ये भी इसका जो है दोष है कि आठवें ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको तीन अलग अलग स्तंभों में क्यों रखा गया है, तीन अलग स्तंभ बना के आपने इसके क्यों रखा है, एक ही स्तंभ में ये क्यों नहीं फिट हो पा रहे हैं? ये इसका एक जो है आवर्त सारणी का ये भी एक दोष है। इसके बाद में इसमें एक और बताई गई है कि जैसे इसमें तत्व की संयोजकता के बारे में बताया गया है कि जैसे पहला वर्ग है तो उसकी संयोजकता एक, दूसरा वर्ग है तो संयोजकता दो, तीसरा वर्ग संयोजकता तीन, इस तरह हर वर्ग की संयोजकता फिक्स होती है। तो अब जैसे कह दिया हमने कि जो छठा ग्रुप है तो उसकी संयोजकता दो हो गई, ऑप्शन की संयोजकता दो है, तो कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो ये एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसका रीजन क्या, उसका बेस क्या है, ये चीज़ को ये इस चीज़ का स्पष्टीकरण आवर्त सारणी से नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक इस आवर्त सारणी का दोष है कि समान संयोजकता तत्वों का प्रदर्शित ना करना या एक से अधिक तत्व संयुक्ता, एक से अधिक संयुक्ता प्रदर्शित कर रहे हैं तत्व, तो फिर उनकी एक से अधिक संयुक्ता प्रदर्शित आप वर्ग के आधार पे इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि इधर ऑक्सीजन दो प्रदर्शित कर रहा है, सल्फर दो प्रदर्शित करता है, कभी कभी सल्फर छः भी प्रदर्शित करता है, तो आप इसको कैसे स्पष्ट करेंगे? नाइट्रोजन तीन संयुक्ता प्रदर्शित करता है, फॉस्फोरस भी तीन करता है, लेकिन कहीं कहीं पर फॉस्फोरस पाँच संयुक्ता भी प्रदर्शित करता है। तो आपने ये कहा है कि ग्रुप की संयुक्ता सामान्य संयुक्ता तीन हो, तो ये पांच क्यों प्रदर्शित करता है? ये ग्रुप ये आवर्त सारणी के द्वारा क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गुण दोष है। इसके बाद में और इसका जो है जो दोष है वो ये है कि आपने जो पहला दूसरा तीसरा वर्ग के को एक ही इसकी श्रेणी बनाई है, जो चौथा आवर्त है, ये सॉरी पहला दूसरा तीसरा आवर्त है, चौथा आवर्त है,
तो चौथे आवर्त की आपने दो अलग अलग श्रेणियां बनाई हैं, तो इन श्रेणियों को आप कब कहते हैं सम श्रेणी, नीचे को विषम श्रेणी, यानी सम श्रेणी विषम श्रेणी इनकी जो आप बनाई है, तो ये सम और विषम श्रेणी के तत्वों के जो गुण है वो अलग अलग होते हैं। तो ये सम श्रेणी और विषम श्रेणी आपने क्यों बनाई है, इसका जो है कुछ स्पष्टीकरण भी इस श्रेणी के सॉरी आवर्त सारणी के द्वारा नहीं मिल पाता। तो ये कुछ विशेष प्रकार के जो है दोष भी हैं इस श्रेणी की। तो ये दोष हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि हम इन दोषों को दूर करें और इन ऐसी आवर्त सारणी को विकसित करें कि उनमें ये दोष भी ना हो। ठीक है, तो इन दोषों को दूर करने के लिए हमारे पास एक और सारणी है जिसको हम कहते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी। तो जो प्रवर्धित आवर्त सारणी है ये मोजली के नियम पे आधारित है और इसमें इसके भी कुछ दोषों को छोड़ के बाकी इसके सभी दोषों को लगभग कम किया गया है, बनाया गया है, जिसमें से कुछ दोष जैसे हाइड्रोजन की स्थिति है या लैंथेनाइट श्रेणी का स्थान है तो उधर भी विवादास्पद है। तो इन गुणों को इन दोषों को छोड़कर बाकी लगभग अधिकतर जो दोष हैं उनको दूर कर लिया गया है दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी के द्वारा। तो उस आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगली वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा दीर्घाकार आवर्त सारणी अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी। ठीक है, तब तक इसको तैयार करिए।